वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मींस ऐसे तकनीकी और जो ऐसी संस्थाएं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी थी उनमें किस तरह के सुधार लाए गए उनके बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने एक ऐसे मूवमेंट के बारे में पढ़ा था जो कि महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जो लैंडलेस किसान थे उनको ज़मीन प्रोवाइड की गई थी, बहुत ज़्यादा ऐसे ज़मींदार जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन मौजूद थी। इसके साथ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के देश की जो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ा कि किस तरह से जो है एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जीडीपी को बढ़ाने में और एम्प्लॉयमेंट देने में, उसके बारे में भी पढ़ा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है, क्योंकि हमारा देश जो है एक गरीब कंट्री में आता है, अभी भी बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। इसलिए एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण ये हर एक का राइट है कि उसके पास मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल वाला भोजन उपलब्ध होना चाहिए। अभी भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनमें लोग भोजन की कमी महसूस करते हैं, मीन्स फूड सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है। ये उन राज्यों में है जो आर्थिक रूप से इतने विकसित नहीं हुए हैं, विशेषकर जिनमें गरीबों की संख्या ज़्यादा है। देश के ऐसे हिस्से जो सुनसान है, मींस ऐसे एरिया जो कि मेन पॉपुलेशन से हट के हैं, और अक्सर वहाँ पे जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहती हैं जैसे कि फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, तो इसकी वजह से वहाँ पे फूड की जो शॉर्टेज रहती है, लोग फूड अनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। सोसाइटी के सभी सेक्शन में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंश्योर किया गया था। बफर स्टॉक ऐसा एक सिस्टम है जिसमें FCI मेन जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो किसानों से मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के ऊपर फसल खरीदता है और उसको स्टॉक कर लेता है, और उस स्टॉक का इस्तेमाल जो है फूड एफिशिएंसी मीन्स ऐसे राज्य जिनमें फूड ग्रेन्स की कमी है उनको सप्लाई करता है, और किसी भी नेचुरल कैलामिटी में भी इसका इस्तेमाल जो है एमरजेंसी के रूप में किया जा सकता है। सेकंड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि गरीब लोगों तक जो है सब्सिडाइज रेट के मीन बहुत ही कम रेट के ऊपर जो है फूड ग्रेन्स को पहुँचाता है थ्रू राशन डिपोज, जिसके बारे में आप जानते हैं। तो डिटेल में आप जो है इसके बारे में 9th क्लास में आपने पहले ही पढ़ा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी स्टोरेज की जाती है, मीन जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो फूड ग्रेन्स किसानों से कम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे के ऊपर खरीदता है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है गरीबों तक इसको पहुंचाया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र है, पावर है, मीन इलेक्ट्रिसिटी पावर है, और पानी पर सब्सिडी देने के कारण अब उन क्षेत्रों में भी फसलों को उगाना पॉसिबल हो गया है जहाँ पे अक्सर पानी की कमी की वजह से वो फसलें नहीं उग पाती थी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एक ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे चावल की फसल को बड़े अच्छे तरीके से उगाया जा रहा है। लेकिन इसने वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न को बिगाड़ दिया है, क्योंकि अब जो है किसान ज़्यादातर इसी फसल के ऊपर दो मेजर फूड क्रॉप्स हैं उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, और जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो लगभग बिगड़ गया है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कम हुई है। एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र के एक्सेसिव यूज़ ने मिट्टी को बहुत ज़्यादा सेलाइन मींस पानी मिट्टी में जो है नमक की कंटेंट जो बढ़ने के कारण मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है वो भी कम हुई है। तो नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस तरह से जो है सप्लाई को इंश्योर किया जाता है। तो इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें कंज्यूमर्स तक मींस जो गरीब लोग हैं उनको उनके वहाँ तक जो है फूड ग्रेन्स को इंश्योर करने के लिए कंज्यूमर को दो कैटेगरी में रखा गया है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले है बिलो पॉवर्टी लाइन, सेकेंड है अबव पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मीनिंग है गरीबी रेखा के नीचे, मीन्स एक ऐसी लिमिट सेट की गई है कि अगर उस लिमिट के नीचे जो है कोई फैमिली अर्न करती है या कमाती है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में रखा जाएगा, अगर वो उस लिमिट के ऊपर कमाती है तो उसको अबव पॉवर्टी लाइन के में रखा जाएगा। और इशू प्राइस के हिसाब से जो है ये जो
जो अनाज है उनको मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के कारण एपीएल कैटेगरी के लोगों को बीपीएल कैटेगरी में डाल दिया गया और बहुत से बीपीएल कैटेगरी के लोगों को बीपीएल कैटेगरी में से निकाल दिया गया है। हर एक ज़िले और ब्लॉक को फूड रेंज में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सकता है यदि प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ साथ लोन लेना आसान हो जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ से इसको इनक्रेज किया जा सकता है। चावल और गेहूं पर ध्यान देने की बजाय वो फसल जो किसी एरिया में बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है उस पर जोर दिया जा सकता है। ज़रूरी इरीगेशन फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी आदि में भी निजी स्तर पर इन्वेस्टमेंट को खेती में अट्रैक्ट किया जा सकता है। फूड गेंस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सस्टेनेबिलिटी को अपनाना होगा और फ्री बिजनेस मीन्स किसी भी तरह की धांधली रोकने से बिजनेस में मीन्स फसलों की खरीद फरोख्त के ऊपर करने से रोज़गार बढ़ेगा और गांव में गरीबी घटेगी। धीरे धीरे किसान अपना ध्यान अब जो है जो फूड ग्रेन से बदलकर फलों सब्जियों तेल पैदा करने वाली मीन्स ऑयल सीड्स और इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ ले जा रहे हैं जिससे नेट सोन एरिया में कमी आ रही है। बढ़ती आबादी घटते अनाज की पैदावार ने बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दी है खाद्य सुरक्षा पर। घर बनाने में कृषि भूमि के प्रयोग ने नेट सोन एरिया को कम कर दिया है। ज़मीन की जो फर्टिलिटी पावर है वो भी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के एक्सेसिव यूज से घटी है जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ा है। पानी की कमी ने सिंचाई की समस्या खड़ी कर दी है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी के चलते किसानों को ज़्यादा पानी ऐसी फसलों को उगाने में इनेबल कर दिया है जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे कि हमने पीछे पहले पढ़ा चावल पंजाब में, महाराष्ट्र में गन्ना। लेकिन इन एरियाज़ में पानी के एक्सेसिव यूज़ होने से अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है जिसके चलते बहुत से कुएँ और ट्यूबवेल सूख गए हैं। इससे गरीब और छोटे किसानों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बड़े किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स मौजूद हैं लेकिन दूसरे जो किसान जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटी ना होने के कारण भी किसानों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसानों को प्रोडक्शन और मार्केट की अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनको बहुत ज़्यादा जो नुकसान बहुत देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर इनपुट जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी उनकी अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। मार्केट में प्रोडक्शन भी एक साथ जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, इसलिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए छोटे किसानों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो इंश्योर करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा ही, हिस्ट्री में पढ़ा था, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी जब यूरोपियन व्यापारी भारत में आए थे तो फर्स्ट पुर्तगाली हमारे देश में आए थे तो उस समय वो भारतीय मसालों को विश्व के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और दक्षिण भारत में जो साउथ इंडिया के किसान थे उनको इन फसलों को लगाने के लिए इनक्रेज किया जाता था। अभी भी ये यूरोपियन मार्केट्स और अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होने वाली एक इम्पोर्टेंट कॉमोडिटी है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान भारत में पैदा होने वाली कॉटन को ब्रिटिश एक्सपोर्ट किया जाता था ताकि वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल मिल सके। मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो मौजूद इंडस्ट्री भारत के क्वालिटी कॉटन का यूज़ करके ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। आपने 1970 की एक बहुत ही फेमस मूवमेंट चंपारण मूवमेंट के बारे में सुना होगा। ये इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि किसानों को उस क्षेत्र में नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था ताकि ब्रिटेन में मौजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सप्लाई किया जा सके और वहाँ के जो किसान थे फूड गेंस ना उगा पाने के कारण गुजारा नहीं कर पा रहे थे। ग्लोबलाइजेशन में खासकर 1990 में भारतीय जो किसान थे उनको नई समस्याओं को सामना करना पड़ा। चावल, रुई, रबड़, चाय, काफ़ी, जूट और मसालों का महत्वपूर्ण उत्पादक देश होने के बावजूद भी हमारा देश विकसित देशों का सामना नहीं कर पा रहा है क्योंकि विदेशी प्रोडक्ट्स किसी की लागत पर मिलने वाली छूट के कारण बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इसलिए खेती को सफल और फ़ायदेमंद बनाने के लिए गरीब और छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने पर जोर दिया जाना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा लेकिन अभी ये विवादों में है, मीन्स कंट्रोवर्सी में है क्योंकि इसके ऊपर हमेशा से आरोप लगता है कि इसने
केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को इनक्रेज किया, जिसके खेती में ज़्यादा ओवर यूज़ ने मिट्टी को ख़राब कर दिया है और पानी का स्तर और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी उसको भी नुकसान पहुँचा है। जीन रिवोल्यूशन जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि इसने किसानों को ऐसी बीज उपलब्ध करवा दी हैं जिनकी प्रोडक्शन मीन जिनकी यील्ड कैपेसिटी झाड़ ज़्यादा है और इनमें आसानी से कोई बीमारी भी नहीं लगती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन भी आजकल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बिना रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड के प्रयोग होने वाली से तैयार होने वाली फसल है, इसलिए ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। हालांकि हमारे देश में कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर भारतीय किसान कंटिन्यू फूड ग्रेन्स को उगाते रहेंगे तो भविष्य में उनके पास ज़मीन कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे जो है ज़मीन जो है इनहेरिटेंस राइट विरासत के अधिकार की ऊपर बढ़ती जाएगी तो उसका साइज जो है कम होता जाएगा, जिससे उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं रहेगा। इसलिए उनको जो है नकदी फसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और भारत की रूरल पॉपुलेशन जो है 600 मिलियन है, जो कि लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। भारतीय किसानों को अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्स बनाना चाहिए, अनाज से लेकर ज़्यादा कीमत वाली फसलें लगानी चाहिए, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी रहे, क्योंकि फल जो ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं मीन जो आयुर्वेदिक हर्ब हैं, जैसे औषधि वाली जड़ी बूटियाँ हैं, फूल हैं, सब्जियाँ हैं और बहुत सारे जो बायो डीजल इंजन हैं जैसे कि जट्रोफा जोजोबा को चावल या गन्ने की फसल की बजाय कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन फसलों को भी इनक्रेज किया जाना चाहिए ताकि वहाँ के जो किसान हैं पानी का कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है ले सकें। भारत की जो डाइवर्स क्लाइमेट है उसका यूज़ जो है हाई वैल्यू वाली मीन्स हाई प्राइस वाली जो फसलें हैं उनको लगाने में किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।